और एक और बड़ी खबर है जिस पर अभी विश्व बिरादरी को थोड़ा कम भरोसा है, लेकिन देखिए खबर, राजधानी कीव से रूस की सेना वापसी कर रही है। सैटेलाइट तस्वीरों में रूसी सेना की वापसी की तस्दीक हुई है। राजधानी कीव में अब कोई रूसी सैनिक नहीं है। आउटस्कर्ट्स में देखना होगा कि रूसी सैनिक है या नहीं, लेकिन यह अब खबर है कि रूस की सेना पीछे हट रही है कीव से। यह पुतिन की नाकामयाबी की पहली तस्वीर है, यह मॉस्को की अगली रणनीति है। यूक्रेन रूस के बीच चल रही जंग के 38वें दिन पुतिन की सेना ने कीव का मैदान छोड़ दिया है। जिस राजधानी पर कब्जा जमाने के लिए पुतिन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, अब यहीं से पुतिन के सैनिक वापस लौट रहे हैं। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें बता रही हैं कि रूसी फौज राजधानी कीव से वापस कर रही है। रूसी सैनिक केस्टोमेल के एंटोनोव हवाई अड्डे से अपने पैर खींच रही है, यानी अब कीव में रूसी फौज नहीं है। कीव से रूसी फौजियों की वापसी के कई मायने निकाले जा रहे हैं। पश्चिमी सैन्य विश्लेषकों की माने तो पुतिन ने शुरुआत में जो रणनीति बनाई थी वो पूरी तरह से फेल साबित हुई। पुतिन ने यहाँ अपना लश्कर तो उतार दिया, लेकिन अपने सैनिकों को समय पर रसद नहीं पहुँचा पाए। लेकिन कीव का मैदान छोड़ने के पीछे पुतिन का बड़ा प्लान भी हो सकता है। यूएस थिंक टैंक का मानना है कि पुतिन अब मारियोपोल, डोनेस्क और लुहांस में फोकस करना चाहते हैं। उत्तर यूक्रेन से पीछे हटाना मॉस्को की नई स्ट्रेटेजी हो सकती है। इस बीच रूस ने यह भी दावा किया है कि उसने 1 अप्रैल को इज्यूम पर कब्जा कर लिया है और यहां से रूसी सेना लुहांस की तरफ बढ़ रही है। और वहीं रूस के बेलगोरोद में यूक्रेन के एयर स्ट्राइक के बाद काफी गुस्से में आ गए हैं व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता ने यूक्रेन को आखिरी वार्निंग तक दे दी है। यूक्रेन से बातचीत को पूरी तरह से रोकने की धमकी दे डाली है। बातचीत रोककर और ताकत से अटैक कर सकता है रूस। आज यूक्रेन के कई शहरों पर हो सकते हैं ट्रिपल अटैक। रूस की मिसाइल तबाही मचाएगी, फाइटर जेट आग बरसाएंगे, हेलीकॉप्टर खतरनाक हमले करेंगे। खबर है कि रूस आज यूक्रेन के कई शहरों पर एक साथ हमले कर सकता है। ये हमले इतने घातक होंगे कि देखने वाले सेहर उठेंगे। बताया जा रहा है कि रूस आज यूक्रेन के कई शहरों पर ट्रिपल अटैक करेगा। पुतिन की आर्मी इसमें मिसाइल, हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट तीनों का इस्तेमाल करेगी, और वो भी एक साथ। हमले के लिए रूस ने जो प्लान तैयार किया है उसे इस जंग में अब तक का सबसे खतरनाक प्लान माना जा रहा है। 37 दिनों तक रूसी हमले झेलने वाले यूक्रेन ने कल पहली बार रूस में घुसकर हमला किया और बेलगोरोद में मौजूद रूसी ऑयल डिपो को अग्निकुंड में बदल दिया। तेल के टैंक में लगी इस आग ने पुतिन के क्रोध की ज्वाला भड़का दी है। पुतिन की आर्मी इस तबाही के हर कतरे का बदला लेगी। रूस इस हमले को सिर्फ एक घटना मानकर चुप बैठने वाला नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ रूसी सेना नहीं राष्ट्रपति पुतिन की साख का सवाल बन गया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।